इतिहास दुनिया का एकमात्र विषय है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी और एक आम आदमी के लिए। जो शाही वर्ग का इतिहास होता है वो एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, साक्ष्य सबूत, लॉजिक नहीं। लॉजिकली आप दुनिया में किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हो, लॉजिक, लेकिन एविडेंस। इसलिए कोर्ट लॉजिक नहीं मानता, कोर्ट क्या मानता है? एविडेंस मानता है। ऐसे यूपीएससी लॉजिक नहीं मानती, एविडेंस मांगती। तो एक इतिहास लिखा जाता है लॉजिक के आधार पे, लॉजिक, और एक इतिहास लिखा जाता है एविडेंस के आधार। दोनों में बहुत फर्क। और इतिहास इतना बड़ा विषय है, और विषय के साथ साथ मतलब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होने के साथ दर्शन भी है। जिसको भी राजा बनने का शौक है, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए, वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे असंभव को मजाक बनाते हुए।